उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्राइम के औरैया जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है, जहां एक युवक ने सुसाइड से पहले अपना वीडियो बनाया। उसमें जो कहा गया वह बहुत शॉक कर देने वाला था। औरैया जिले के ब्रह्मंगा में 24 साल के युवक द्वारा आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाया गया, जिसमें उसने अपनी पत्नी एवं सास को परेशान करने एवं उनके द्वारा पैसा लिए जाने की बात कही। यह वीडियो वायरल हो गया है। 24 साल के ऋषभ की शादी औरैया कोतवाली क्षेत्र में 2020 में हुई थी। उधर लखनऊ में पत्नी की महिला बॉस से नजदीकी से तंग आकर पति ने फांसी लगाकर जान दे दी है। युवक ने इंस्पेक्टर, एसीपी और पुलिस कमिश्नर को सुसाइड नोट लिखकर पत्नी के साथ उसकी महिला बॉस की नजदीकी को जिम्मेदार बताया है। ऋषभ ने आत्महत्या फांसी लगाकर की, लेकिन उससे पहले मोबाइल से एक वीडियो बनाया गया। उस वीडियो में उसने कहा, उसकी पत्नी के अन्य लड़कों से शारीरिक संबंध हैं। वह मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा करती है। सास ने भी दो शादी की और दोनों पति को मरवा दिया। ये सिगरेट और शराब पीते हैं, पैसों के लिए प्रताड़ित करती हैं। इनकी वजह से मेरे ऊपर 7 लाख रुपए का कर्जा हो गया। ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद ऋषभ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जानकारी घर वालों ने पुलिस को दी। तत्काल पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ऋषभ के घर वालों ने पत्नी एवं सास पर कार्यवाही करने की बात कही। पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने का परिजनों ने आरोप लगाया। परिजनों ने पोस्टमार्टम होने के बाद एम्बुलेंस से शव लेकर कोतवाली औरैया पहुंचकर कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई। पुलिस आगे की वैधानिक कार्यवाही की बात करती नजर आई। लखनऊ में भी पति ने की आत्महत्या। लखनऊ में पत्नी की महिला बॉस से नजदीकी से तंग आकर पति ने फांसी लगाकर जान दे दी है। युवक ने इंस्पेक्टर, एसीपी और पुलिस कमिश्नर को सुसाइड नोट लिखकर पत्नी के साथ उसकी महिला बॉस की नजदीकी को जिम्मेदार बताया है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में टाइपराइटर बाबा के नाम से मशहूर गोमती नगर के विराम खंड इलाके में रहने वाले कृष्ण कुमार के बेटे निखिल ने अपनी पत्नी की महिला बॉस से नजदीकी के चलते आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि निखिल ने इंस्पेक्टर गोमती नगर, एसीपी गोमती नगर और पुलिस कमिश्नर के नाम पर 3 अलग-अलग सुसाइड नोट लिखे थे। 3 सुसाइड नोट आए सामने। तीनों सुसाइड नोट में मृतक निखिल ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी अंजू गुप्ता जब से हमामाऊ कल्याणी ग्रुप के दफ्तर में काम करने लगी, तब से उनके रिश्ते में खटास आ गई। कंपनी के मैनेजर महिपाल और उनकी पत्नी शशि किरण के संपर्क में आने के बाद से उसकी पत्नी अंजू गुप्ता 7 साल की बेटी वैष्णवी को लेकर अपनी महिला बॉस शशि किरण के साथ रहने की जिद करने लगी है। उसकी बात नहीं मानने पर अंजू जहर खाकर जान देने की धमकी दे रही है। इसी से तंग आकर निखिल ने गोमती नगर के विराम खंड स्थित अपने मकान की पहली मंजिल के कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मौके से बरामद 3 और सुसाइड नोट के आधार पर गोमती नगर थाने में मृतक की पत्नी अंजू गुप्ता, महिला बॉस शशि किरण और उसके पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।